नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू। वो बात चाहे सरकार की हो या जनता की, सरोकार की, या फिर हो बच्चों के भविष्य की या कर्मचारियों की से जुड़ी खबर। आज आपको बताएंगे फटाफट अंदाज में बिहार की हर खबर आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। आज की बिहार की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया फैसला, सार्वजनिक कुओं का मार्च तक करें जीर्णोद्वार, जल जीवन हरियाली की प्रगति की सीएम ने की समीक्षा, जल संचयन स्रोतों को रखे रिकॉर्ड, चापाकलों को हो निरंतर निगरानी, सौर ऊर्जा के उपयोग और उत्पादन के लिए लोगों को करें प्रेरित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आहार पैन, तालाब, पोखर व चापाकलों को चिन्हित कर उसका ब्यौरा रखें, खासकर उत्तरी बिहार के जिलों में आहार व पैन का रिकॉर्ड रखें। इसका ध्यान रखें कि आहार पैन एक दूसरे से लिंक्ड है कि नहीं। सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्वार मार्च तक पूरा करें। सार्वजनिक चापाकल हमेशा फंक्शन रहे एवं चापाकलों का मेंटेनेंस सुनिश्चित करने के लिए पीएचडी निरंतर निगरानी रखे। चापाकलों एवं कुओं के किनारे सोखता का निर्माण भी अवश्य कराएं। चापाकलों के पानी का लोग दुरुपयोग नहीं करें। अगर पीने के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो और खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए तो 90% बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। मुख्यमंत्री मंगलवार को जल जीवन हरियाली अभियान की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि हर घर नल जल योजना के माध्यम से लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, उपलब्ध पेयजल का दुरुपयोग न करें। उन्होंने कहा कि राजगीर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री परिसर में जल संचय के लिए बड़ा और सुंदर तालाब का निर्माण कराया गया है। इस मॉडल के रूप में अन्य जिलों में भी पहाड़ों के किनारे किनारे तलहटी क्षेत्र में जल संचय की संभावनाओं को तलाश। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सौर ऊर्जा का उपयोग एवं उसके उत्पादन तथा ऊर्जा की बचत के लिए लोगों को प्रेरित करें। इससे पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा और पैसों की भी बचत होगी। स्ट्रीट लाइटों को जलाने के लिए सौर ऊर्जा का ही उपयोग करें, इससे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिक्रमण मुक्त कराएं। बिहार में बालू घाटों की बंदोबस्ती अवधि दिसंबर तक बढ़ी, कैबिनेट के फैसले, टाल विकास योजना के लिए 1178 करोड़ की मंजूरी, बाढ़ पीड़ितों के लिए 1500 करोड़ की स्वीकृति, कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए 453 करोड़। बिहार सरकार ने टाल क्षेत्र विकास योजना के लिए 1198 करोड़ की योजना के लिए मंजूरी दी है, जबकि बाढ़ पीड़ितों के लिए 1500 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। बालू घाटों की बंदोबस्ती को 31 दिसंबर तक के लिए विस्तारित करने का फैसला लिया गया है। यह फैसला कोविड-19 के कारण बालू घाटों के बंद रहने व पर्यावरणीय स्वीकृति में विलम्ब होने के चलते लिया गया है, एनजीटी के फैसले के बाद लिया गया है। सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1202 पदों का सृजन भी स्वीकृत की है। कमला बदलन नदी के तटबंधों की मरम्मती व पुनर्स्थापन के लिए 823 करोड़ की मंजूरी दी गई है, जबकि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए 453 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अब तक 5 लाभुकों का चयन होता था, अब 7 लाभुकों के चयन का फैसला लिया गया है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। सेकेंडरी प्लस टू शिक्षकों की बहाली को आज से एसटीईटी परीक्षा। राज्य में माध्यमिक शिक्षक, उत्तर माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2019 की पुनर्परीक्षा आज बुधवार से शुरू हो रही है। परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी। परीक्षा 21 सितंबर तक चलेगी। ऑनलाइन परीक्षा की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। परीक्षा 3 पालियों में होगी। ऑनलाइन परीक्षा के लिए बेल्ट्रॉन के माध्यम से पटना सहित 12 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में धारा 144 लागू की गई है। परीक्षा केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ है, वाईफाई गैजेट है, कैलकुलेटर, स्लाइड, रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, घड़ी, पेपर, सेल्युलर फोन, एटीएम कार्ड एवं अन्य चीजें भी वर्जित की गई है। रियाज चक्रवर्ती गिरफ्तार, 14 दिनों की जेल। सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई की एक अदालत ने रियाज चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मंगलवार दोपहर को एनसीबी ने रियाज चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। रियाज चक्रवर्ती को बुधवार सुबह भाईखला जेल में भेजा जाएगा, क्योंकि सूर्यास्त के बाद कैदियों की गिनती और उसे बैरक में भेजे जाने के बाद जेल में एंट्री बंद हो जाती है। एनसीबी दफ्तर की तीसरी मंजिल पर रिया इस वक्त है। रिया के वकील सतीश मनसिंदे ने उसकी जमानत के लिए अर्जी दी थी, हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।
सुशांत सिंह राजपूत केस में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने 8C 27A 29B और 28 धाराओं के तहत अरेस्ट किया है। आज रात 9:09 तक दिया जलाने की अपील। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपील की है कि बेरोजगारी और सरकारी संस्थाओं के निजीकरण के खिलाफ राज्यवासी बुधवार यानी 9 सितंबर को 9 बजे रात को 9 मिनट तक के लिए घर का लाइट ऑफ कर एक दिया, लालटेन या मोमबत्ती जलाएं। नेता प्रतिपक्ष ने मंगलवार की रात 9 बजे फेसबुक लाइव में यह संदेश दिया। कहा है कि यह राजद का आंदोलन नहीं है, बेरोजगार युवक और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने यह आंदोलन शुरू किया है। राजद उसका भरपूर समर्थन करता है। साथ ही बेरोजगारों के हाथ में हाथ मिलाकर 9 मिनट के लिए तय समय पर मोमबत्ती या लालटेन जलाने की अपील करता है। वह खुद अपनी माँ राबड़ी देवी के साथ तय समय पर अपनी छत पर लालटेन लेकर खड़ा रहेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर राजद को मौका मिला तो किसी भी जाति धर्म का कोई काबिल युवक बेरोजगार नहीं रहेगा। इसके लिए विशेषज्ञों की टीम रोड मैप बना रही है। जल्द ही हम रोड मैप के साथ युवकों के सामने आएंगे। SCB पार्टी ने बेरोजगार युवकों के निबंधन के लिए वेबसाइट और टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। सिपाही के लिए 4 अक्टूबर को होगी लिखित परीक्षा। बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही के 454 पदों पर बहाली के लिए 4 अक्टूबर को लिखित परीक्षा होगी। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा लिखित परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। स्वाभिमान बटालियन में राज्य की रहने वाली अनुसूचित जनजाति की महिलाएं ही बहाल हो सकती है। लिखित परीक्षा की जानकारी परिषद की वेबसाइट पर है। इसके मुताबिक लिखित परीक्षा के लिए 15 सितंबर से ई प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। जो अभ्यर्थी इसे डाउनलोड नहीं कर पाए हैं वह 29-30 सितंबर को पटना के बैक हॉर्डिंग रोड स्थित परिषद के कार्यालय से डुप्लीकेट प्रवेश पत्र ले सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग में 2669 पदों पर की जाएगी बहाली, कैबिनेट ने लिया फैसला। स्वास्थ्य विभाग के तहत मेडिकल कॉलेजों समेत विभिन्न संस्थानों में 2669 नए पदों पर बहाली होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इन पदों के सृजन की मंजूरी मिली। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज के लिए 356, बेतिया मेडिकल कॉलेज के लिए 539 तथा पावापुरी मेडिकल कॉलेज के लिए 539 पदों का सृजन हुआ है। इनको शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक के पद शामिल है। कुल 60 प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है। पावापुरी और बेतिया मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 100-100 की जगह 150-150 सीटें करने के लिए तथा मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में 100 MBBS सीटों के साथ मान्यता के लिए MCI मानक के अनुरूप एक पद सृजित किए गए हैं। वहीं 7 निश्चय के तहत खोले जाने वाले 28 पैरामेडिकल संस्थानों एवं राज्य के 7 मेडिकल कॉलेजों में चल रहे इन संस्थानों के लिए 1235 पद सृजित हुए हैं। पटना हाईकोर्ट में भी 963 पद सृजित हुए हैं। 9वीं से 12वीं तक के छात्र 21 सितंबर से जा सकेंगे स्कूल। शिक्षण संस्थानों को खोलने की सशर्त इजाजत दी गई। स्कूलों में 50% शिक्षक व स्टाफ को ही जाने की अनुमति। अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के तहत 21 सितंबर से सिर्फ कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शिक्षक से सलाह लेने स्कूल जा सकेंगे। इसके लिए अभिभावकों की लिखित इजाजत जरूरी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्कूलों, कौशल केंद्रों एवं PG कोर्स चलाने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए कोरोना से बचाव के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP की जारी की है। गृह मंत्रालय ने 21 सितंबर से उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति दी है। SOP में कहा गया है कि स्कूल कॉलेजों को कौशल संस्थानों को सैनिटाइजर करना होगा। कुर्सियां 6 सीट की दूरी पर लगेगी। मास्क अनिवार्य होगा। EPF सदस्य की अचानक मौत पर नॉमिनी को मिलेंगे 7 लाख रुपए। कोरोना काल में देश के 4.5 करोड़ लोगों के परिवार के लिए राहत भरी खबर है। अब किसी भी EPF सदस्य के अचानक मौत पर नॉमिनी को इंश्योरेंस के तहत 7 लाख रुपए मिलेंगे। अभी 6 लाख रुपए तक ही दिए जाते थे। EPFO की पेंशन EDLI कमेटी ने इसे मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पेंशन स्कीम 1995 की जगह नई स्कीम लाने की तैयारी शुरू की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अंशधारक की बीमारी, दुर्घटना, असामयिक या स्वाभाविक मौत पर 1976 से इंप्लॉयज डिपॉजिट लिंक्स इंश्योरेंस स्कीम शुरू कर रखी है। इस संबंध में EPFO केंद्रीय न्यायिक बोर्ड के सदस्य हरभजन सिंह ने बताया है कि
पेंशन कमेटी ने इस नए फैसले को मंजूरी दे दी है। हाई पावर कमेटी गठित कर दी गई है। औपचारिक मुहर बुधवार को सीबीटी की बैठक में लगेगी। इंश्योरेंस की धनराशि 2.5 लाख ही रहेगी। इधर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा है कि एनपीएस की तर्ज पर पीएफ सदस्यों के लिए नई पेंशन स्कीम लाई जा रही है। 12 व 13 सितंबर की बैंकिंग परीक्षा स्थगित। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने क्षेत्रीय ग्रामीण बोर्ड भर्ती 2020 की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी है। यह परीक्षा 12 व 13 सितंबर को ऑनलाइन मोड पर होनी थी। बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट IBPS.in पर नोटिस जारी कर इस संबंध में जानकारी दी। खबरों में आज बस इतना ही। धन्यवाद। चोर गुंडा कुर्सी के खास हो रहल बा। नेताजी कहाँ है विकास हो रहल बा।